मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश में बिहाई बुक से लेसन 7, जिसका नाम है पैकिंग, इसका अध्ययन करेंगे। पैकिंग का अर्थ होता है सामान बांधना। तो हम जब कहीं कभी यात्रा पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक डिस्कशन करके और अच्छे से सेटिंग करके वो उसको सामान को रखते हैं, ठीक है। डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय द मोस्ट? यानी क्या तुम लंबी यात्रा पर जाना चाहते हो? तुम किस प्रकार की यात्रा का आनंद लेते हो? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? एक यात्रा के सामान बांधने पर कैसा अनुभव करते हो? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स दैट यू वेरी मच नीड और दैट यू कांट फाइंड देम इजीली? क्या तुमने कभी यह बात जानी कि कुछ पैक करना भूल गए हो जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत आवश्यकता है, क्या तुम उसे आसानी से पा सकोगे? Does he make angry? Does it make laugh yourself? क्या तुम्हें ये बात क्रोधित करती है या तुम्हें अपने आप पे हंसी आती है कि हमने ये काम को अच्छे से नहीं किया है? Now read this descriptions of how the author and his friends pack. आप इस विवरण को पढ़ते हैं कि लेखक और उसके मित्र पैकिंग को, जो सामान है उसकी पैकिंग कैसे करते हैं। इस जो लेसन है उसमें यही सारी बातें का डिस्कशन किया गया है। देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव? नेम देम, डोंट फॉरगेट द डॉग। यानी इस कहानी में कितने कैरेक्टर हैं इस वर्णन में और उनके नाम बताना है। और जो मेन क्वेश्चन है डॉग, डोंट फॉरगेट द डॉग, यानी जो डॉग है जो उसको भी भूलना नहीं है। तो इस वर्णन में जो है चार कैरेक्टर हैं। देयर आर फोर कैरेक्टर्स इन दिस नरेटिव। देयर मींस इस वर्णन में चार कैरेक्टर हैं, इनके नाम हैं द नरेटर, जीरो के जीरो, जॉर्ज, हैरिस एंड मोनिका मोरेंसी द डॉग। इस वर्णन में चार हैं, उनके नाम हैं जेरोम के जेरोम, जॉर्ज, हैरिस एवं मोंटा मोरेंसी। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डिड द नरेटर जेरोम वॉलंटियर टू द डू द पैकिंग? वर्णनकर्ता जेरोम ने पैकिंग करना क्यों स्वयं प्रस्तावित किया? आंसर है इसका, द नरेटर थॉट एंड जॉर्ज एंड हैरिस वुड नॉट बी लेट हिम डू द पैकिंग आउट ऑफ फॉर्मेलिटी, देयरफॉर ही वॉलंटियर्ड टू डू द पैकिंग फॉर्मेलिटी, देन ही वुड बॉस ओवर द जॉब बट इट डिडंट हैपन। वर्णनकर्ता ने सोचा कि जॉर्ज और हैरिस उसे औपचारिकता से करने नहीं देंगे, फिर उन पर इस कार्य के लिए वो बॉस भी बन जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक? जॉर्ज और हैरिस ने तत्काल इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? क्या जेरोम ने उसकी प्रतिक्रिया को पसंद किया? आंसर, His real intention, the two boss the job while George and Harris did the packing, but their agreement to his packing irritated him. उसकी वास्तविकता इरादा इस कार्य पर बॉस बनने का था। अब जॉर्ज और हैरिस पैकिंग कर रहे थे और पर उनकी सहमति ने उन्हें उसे नाराज किया। क्वेश्चन नंबर फोर, वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथ ब्रश? उससे टूथब्रश कहाँ मिला? आंसर, जेरोम फाइनली फाउंड हिज टूथ ब्रश इनसाइड द बूट, देन ही रिपैक्ड देयर थिंग्स वंस मोर। जेरोम को अंततः टूथब्रश एक जो है बूट में मिला, उसने फिर से चीजों को पैक किया। क्वेश्चन नंबर फाइव,
What did George and Harris offer to pack and why? George और Harris ने क्या पैक करना प्रस्तावित किया और क्यों? आंसर है George and Harris offered to pack because the hampers were yet not packed. They thought they had better to do the rest, but they started breaking things. George और Harris ने पैक करना प्रस्तावित किया क्योंकि हैम्पर्स की पैकिंग बाकी थी. उन्होंने बाकी का काम करना भी स्वीकार किया किंतु पैकिंग में उन्होंने कई चीज़ों को ब्रेक कर दिया या तोड़ दिया. तो स्टूडेंट्स इसके जो बिकल वर्ड मीनिंग है ये आपके सामने लिखे गए हैं, इसको हम पढ़ेंगे, आप भी सुने और इसका उत्तर दें. PRIDE प्राइड माई सेल्फ ऑन का अर्थ होता है मैं गर्वित हूँ. आई एम प्राउड ऑफ यू. नेक्स्ट है शब्द FELL INTU fell into इसका अर्थ होता है एक्सेप्टेड या स्वीकृत. नेक्स्ट है UNCANNY uncanny. uncanny का अर्थ होता है स्ट्रेंज या अजीब. नेक्स्ट है RUMMAGED इसका अर्थ होता है रमेस्ट. रमेस्ट मतलब होता है एक जल्दबाजी व लापरवाही में खो जाओ. नेक्स्ट है HAMPERS यानी होता है हैम्पर्स यानी खाने की चीजों का बड़ा बक्सा. खाने का कोई बॉक्स. नेक्स्ट वर्ड है WORRIED कहलाता है वरीड. वरीड मतलब होता है परेशान या टेंस. नेक्स्ट है REFLECTION REFLECTION रिफ्लेक्शन मतलब थॉट यानी विचार. THOUGH नेक्स्ट वर्ड है SPLIT यानी स्प्लिट द डिफरेंस. TREENCE स्प्लिट द डिफरेंस एक बात पर सहमत होना. ओके स्टूडेंट तो होमवर्क को आप बहुत इम्पोर्टेंस दीजिएगा. होमवर्क बहुत जरूरी है आपको कॉपी में करना, ठीक है? तभी आप इंग्लिश के शब्दों को लिख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक? रीड द लेसन केयरफुली. आपको बहुत सावधानी से लेसन को क्या करना, लिखना है, पढ़ना भी है, रीड यानी पढ़ना, और राइट क्वेश्चन एंड आंसर इन योर कॉपी. कॉपी में क्वेश्चन आंसर को भी लिखना है. प्रैक्टिस ऑल्सो प्रैक्टिस आपको हमेशा करना है, ठीक है? और डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग भी लिखना है और बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, ठीक है? थैंक यू.